अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अक्सा गुलनवाज़ व्लॉग्स। तो जी, मैं जाने लगी थी एक शादी पे। शादी किसकी थी? शादी थी मेरी कज़न की बेटी की, और वहाँ मैं इनवाइटेड थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना ड्रेस कि मैं कौन सा पहना था। अच्छा, ये मेरा ड्रेस मेरी बरी का है और इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना है। मुझे कपड़े रिपीट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं कपड़े तब तक रिपीट करती रहती हूँ जब तक वो ख़राब नहीं हो जाते। खैर, इसे तो मैं सेकंड टाइम पहनने लगी थी। ये एक बहुत प्यारा थ्री पीस है, इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है, दो कलर्स में है ये। साथ में फुली एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र है और शिफॉन की फैंसी कमीज़ है। अच्छा, मेहंदी के हिसाब से सूट बिल्कुल ठीक जा रहा था, फैंसी का फैंसी था और इसके अलावा कलर बिल्कुल मेहंदी वाला था। इसकी बैक कुछ इस तरह की है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड, और फ्रंट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। नाउ मूविंग टू ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी मैंने आर्टिफिशियली पहनी थी। मेरे पास घर में कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने उनका कुछ यूँ सेट बना लिया था और ये एग्जैक्ट सूट के साथ जा भी रहा था, सूट के साथ मैच भी हो गया था। मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, कांच की हो जाए या मेटल की, मैं ज़्यादा शौक से पहनती हूँ। और साथ में मैंने पहन लिए थे झुमके, जो कि मेरे बहुत पुराने झुमके हैं और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इसका रंग भी फेड नहीं हुआ। और एज़ यूजुअल मैंने अपनी साथ वॉच भी पहनी थी। बस इसके बाद हम लोग तैयार श्यार होके पहुँच गए थे वेन्यू पे। अच्छा, इस दिन एक ही हॉल में चार मेहंदियाँ थी एंड वी वर काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि हमने किस हॉल में जाना है, लेकिन खैर हमें फिर मिल ही गया था। और इसके बाद आते ही हमने देखा कि ब्राइड का फ़ोटोशूट हो रहा था। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक रियल लाइफ डॉल लग रही थी। आई रियली विश कि मैं आप लोगों को दिखाती इसकी लुक, बट हर किसी की अपनी प्राइवेसी है एब्सोल्युटली। और मुझे इसका लहंगे का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगा था। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत प्यारे करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी इसके लिए एक दफ़ा ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। तो जी, आपने देखी मेहंदी की रौनक। लड़के वाले आए थे और इस तरह मेहंदी वगैरह निकाली गई थी, काफ़ी अच्छी रौनक लग गई थी माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आया था इस दिन। अच्छा, मेहंदी एक ऐसा इवेंट है जिसको पर्सनली मैं ख़ुद भी बहुत इन्जॉय करती हूँ, और मैं आपको अपनी फुल लुक नहीं दिखा सकी बिकॉज़ देयर वॉज़ नो बडी जिसको मैं कह सकूँ कि वो मेरा व्लॉग शूट कर सके, क्योंकि मैं बहुत ही कम बंदों पर सेटिस्फाइड होती हूँ। मतलब वो पिक्चर्स हो जाएं या व्लॉग्स हो जाएं, मोस्टली मेरी सिस्टर्स साथ होती हैं तो वो बना देती हैं। तो खैर, मैंने बस अपना यही थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके बाद बारी आ गई थी खाना खाने की, और खाने में सबसे पहले इन्होंने सर्व किया था हॉट एंड सॉर सूप, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ज़बरदस्त था। और बाकी खाने में इनका था हलवा पूड़ी, बारबेक्यू, जलफ्रेजी कोफ्ते, और साथ में दो किस्म का सैलड था। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था। अच्छा, मेहंदी के फंक्शन पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि हलवा पूड़ी हो गया या बारबेक्यू हो गया। खैर, सब कुछ बहुत मज़ेदार था, काफ़ी इन्जॉय करके हमने खाना खाया। नाउ शोइंग यू गाइस आर ब्राइड सफ़ा। आप लोग इसकी ड्रेस की डिटेल्स देखें और ओवरऑल डिटेल्स देखें, एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट माशाल्लाह। बस इसके बाद ब्राइड को स्टेज पे लेकर आए थे क्योंकि रस्में शुरू होनी थी मेहंदी की, और मैंने इसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि वैसे भी स्टेज पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था।
आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।